रूप में एक थरमित हुआ है, सत्य और असत्य के बीच, जैसे भगवान श्री राम और रावण के बीच, पांडवों और कौरवों के बीच, और आज राजपूतों और खिलजियों के बीच। और हर युग में जीत केवल सत्य की हुई है। आज हजारों राजपूत केसरिया पाना पहनकर हमारे आत्म सम्मान के लिए अपना बलिदान देने गए। आज तक चित्तौड़ की दीवारों ने हमारी रक्षा की है, पर आज हमारे सैनिक दीवार बनकर खड़े हैं गढ़ की रक्षा के लिए, और वो हमारे लिए ईश्वर से कम नहीं है। जब एक राजपूत अपनी मान और मिट्टी के लिए लड़ता है, तब उसकी तलवार की गूंज सदियों तक रहती है। जब जब दुनिया में अंधकार बढ़ा, तब राजपूत योद्धाओं ने ज्वाला की तरह जलकर अपना बलिदान दिया, पर धर्म को बुझने ना दिया। अगर आज रणभूमि में हमारे वीर अमर भी हो जाएं, तब भी शत्रु जीतेगा नहीं। अब चित्तौड़ में एक और लड़ाई होगी जो ना कभी किसी ने देखी ना सुनी होगी, और वो लड़ाई हम शत्राड़िया लड़ेंगी। हमारा शत्रु भी देखेगा कि राजपूत वीरांगनाएं वेदना को वीरता में कैसे बदलती हैं। जिस अग्नि को साक्षी मानकर साथ जीने और मरने का वचन लिया था, उसी पवित्र अग्नि को फिर जलाएंगे, सौंप देंगे अपने आप को आग में, और मिलकर जौहर करेंगे। हमारी लालसा रखने वाले उस शत्रु के हाथ हमारी परछाई तक नहीं लगेगी। ये शरीर जलकर राख हो जाएगा, पर अमर रहेगी राजपूती शान, हमारा उसूल, हमारा स्वाभिमान। और यही हलाउथींद्र जीवन की सबसे बड़ी हार होगी। रानीसा हुकुम। आखिरी चुनर रोने का वक्त आ गया है, घर के दरवाजे बंद कर दो। Next thing like this one.